दोन पांचवन सहावा फाइव नंबर का सिक्स नंबर का पहिले पासून घेऊ आपण जेवढे क्वेश्चन आहे स्टार्टिंग पासून. इफ एक्स इज इक्वल टू ए इंटू अंडर रूट ऑफ सेक थीटा मायनस कॉस थीटा आज कम्प्लीट करून टाकू आपल्याला सेक थीटा मायनस कॉस थीटा देन आफ्टरवर्ड वाय इज इक्वल टू अंडर रूट मध्ये ए इंटू सेक थीटा मायनस वाय इज इक्वल टू ए इंटू अंडर रूट मध्ये पुन्हा सेक थीटा प्लस टॅन थीटा इज देअर theta plus tan theta is there. Then we want to show that dy by dx is equal to show that question is here dy by dx is equal to minus y by x is there. Minus y by x is there with a question here asked. So very simple question and very this one aap iske tum agar se maine kal se pehle bataya wala hai. This type of question can be solved by using the identity. And aapki identity aapne mall mein sin square theta plus cos square theta is equal to 1. Second is sec square theta is equal to 1 plus tan square theta. Or third is cosec square theta is equal to 1 plus cot square theta is there. So ye relation sec cos mein hai sec aur cos mein ke tan mein given tan mein tan sec theta minus tan theta is there. So ye jo relation hai by using that relation matlab ye relation se aap isko solve kar sakte hain. sec square theta is equal to 1 plus tan square theta. मैं शॉर्टकट में बता रहा हूं उनको अगर से सॉल्व करने का है तो अपना ऑलवेज जो मेथड यूज है पैरामेट्रिक की पहले तुम निकालेंगे इसका dx by d theta फिर तुम उसका निकालेंगे dy by d theta फिर अपने क्या निकालने का dy by dx तो dy by dx is equal to dy by d theta upon dx by theta फिर इस पर से इक्वेशन के वैल्यूज निकालेंगे यहां से वैल्यू निकालेंगे x और y की और उसको टप कर देंगे तो थोड़ा लेन भी जाएगा इसे शॉर्टकट याद रखो इसमें सिंपल शॉर्टकट क्या है कि अगर से जैसा कि अभी sec tan theta में रिजल्ट है तो अपने को आइडेंटिटी मालूम है sec और tan का रिलेशन है sec square theta is equal to 1 plus tan square theta उसी तरीके से समझो sin cos का रिलेशन आया तो sin cos tan के आपको मालूम है sin square theta plus cos square theta is equal to कितना रहता 1 तो जब भी ऐसा आइडेंटिटी फॉर्म में आएगा तो पहला प्रश्न करना चाहिए हमको क्या करना पड़ेगा उसकी आइडेंटिटी का यूज करना पड़ेगा और कैसे आइडेंटिटी यूज करेंगे देखो ये आपने को मालूम है कि sec square theta is equal to 1 plus tan square theta इसका मतलब किसी ने sec square theta minus tan square theta कर दिया तो sec square minus tan square theta की वैल्यू कितनी रहेगी that is equal to 1 तो ये रिलेशन हम इसको यूज कर सकते हैं इसको कब यूज कर सकते हैं कि जब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे x into y अगर से करेंगे तो ये a into a a square अंडर रूट कैंसिल sec theta tan theta sec theta plus tan theta मतलब कितना हो गया sec square theta minus tan square theta और sec square theta minus tan square theta कितनी होगी 1 उस पर रख के अपन क्या करेंगे सॉल्व करेंगे तो 1 मिनट कौन इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंपॉर्टेंट है सो क्लियर ना व्हाट वी आर डूइंग दैट इज सो ये फर्स्ट वी टेक द प्रोडक्ट आइडेंटिटी के यूज करने का हम को दोनों का क्या रख लेंगे प्रोडक्ट तो तुमको सोचना पड़ेगा कि आइडेंटिटी यूज कैसा होगा एडिशन करके होगा या प्लस माइनस करके होगा ये अपने को सोचना पड़ेगा तो यहाँ पे अगर से दोनों का मल्टीप्लीकेशन लेंगे प्रोडक्ट लेंगे तो हम करेंट के यूज होगा sec स्क्वायर माइनस थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 इज देयर सो व्हाट वी कैन से दैट कैन मल्टीप्लाई दिस टू टर्म्स x इनटू y सो a इनटू अंडर रूट में sec थीटा माइनस tan थीटा इनटू y के प्लस y की वैल्यू a इनटू अंडर रूट में sec थीटा प्लस tan थीटा इज ठीक है तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी हमारा हो गया a इनटू a a स्क्वायर रूट रूट गेट्स कैंसिल यू गॉट क्या रूट अगर से कैंसिल कर दिया तो मैंने कितना मिलेगा sec थीटा या फिर दोनों का रूट में अगर से चलेगा तो ये कितना मिलेगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा राइट है ना अंडर रूट में चल जाएगा तो ना रूट कहां से कैंसिल हो ये अंडर रूट में दोनों का मल्टीप्लिकेशन sec थीटा sec स्क्वायर थीटा माइनस प्लस माइनस tan * tan थीटा tan स्क्वायर थीटा हो गया a स्क्वायर अंडर रूट में sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इन द रूट 1 तो इतना सिंपल हो गया अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे x into y को तो एकदम काम सिंपल एक कौन आ रहा है सर का है
उम्मीद है कि ये तुम्हारे समझ में आया होगा। यस, फिर में ना समझ में आया कि सबके बोलो आया सांगा हो क्यों नहीं। यस टेल मी तुम्हारा विचार तो हो सर। यस ओके सर, ऐसा है एकदम सिंपल क्वेश्चन है, तो तुम कभी भी क्या यूज करेंगे इसमें आइडेंटिटी का यूज करके सॉल्व करेंगे, तो शॉर्टकट से बैठेगा नहीं तो फिर तुमको वही करता बैठना पड़ेगा। पहले dx by dt वो भी कर रहे तो भी चलता है, मगर थोड़ा लेट नहीं जाएंगे, उससे भी आंसर आता 100% आंसर आता। इफ यू आर इंटरेस्टेड, अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है तो वो भी बता सकते हैं, मगर थोड़ा लंबा चल जाएगा। इसके वजह से बेटर वे क्या करो, आइडेंटिटी यूज करो sec tan थीटा रिलेशन वाले में, sec square theta is equal to 1 plus tan square theta, इसलिए sec square theta minus tan square theta is equal to 1। वो आइडेंटिटी का यूज करके दोनों का प्रोडक्ट ले लिए, प्रोडक्ट लेने से ऐसा आ गया कि अंडर रूट में 1 हो गया, तो वैल्यू 1। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, एक्स स्क्वायर प्योरली कांस्टेंट है, डेरिवेटिव कितना आ गया 0। एक्स इनटू डी ऑफ दिस इज इक्वल टू प्लस का वाला उधर चला गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स इज इक्वल टू नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू साइन टी, if x is equal to e raised to sin 3t, comma y is equal to e raised to cos 3t, y is equal to e raised to cos 3t. So then show that dy by dx is equal to, you want to show that dy by dx is equal to minus y log x divided by x log y। अभी जितने भी क्वेश्चन है ना ये सबके मेथड्स दो है, तुम दो मेथड सॉल्व कर सकते हो, मगर हाई को टाइम पास करने का इसके एक जो सिंपल मेथड है वही तुमको बता रहे हैं ना। हर एक क्वेश्चन को तुम दो दो मेथड से सॉल्व कर सकते हो, तो पिछले बार अपन आइडेंटिटी का यूज करके सॉल्व करे, या फिर डायरेक्ट भी तुम सॉल्व करके आंसर निकाल सकते, इसको भी तुम दो मेथड से सॉल्व कर सकते। कैसा, एक तो डायरेक्ट पैरामीटर टी है, पैरामीटर टी है dx by dt निकालो, dy by dt निकालो और dy by dx निकालो, एक तो ऐसा, या फिर दूसरी मेथड बोलो क्या इसको कैपी का शॉक है, तो log x लेके सॉल्व करते, log x लेके सॉल्व करेंगे तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा, ये log x इज इक्वल टू sin tt log e, log के log मतलब कितना हो गया 1, और फिर डिफरेंशिएशन दो, तो log x डेरिवेटिव कितना 1 / x * डेरिवेटिव ऑफ x मतलब dx / dt, sin 3t का डेरिवेटिव cos 3t, फिर एंगल के डेरिवेटिव मतलब कितना 3, सेम इसका डेरिवेटिव तुमको लेना है, तो log लेके भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, इंटरव्यूअर चॉइस। तो मैं तुमको डायरेक्ट लेके बता रहा हूँ, तुम बोलेंगे सर क्योंकि तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, लॉग अपन कब अप्लाई करते हैं, जब फंक्शन के पावर में फंक्शन है या फिर नंबर ऑफ फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में है, नंबर ऑफ फंक्शंस डिवीजन में है, तो उस टाइम पे अपन क्या करते हैं, लॉग यूज कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ सकता है कि सर इसको लॉग क्यों अप्लाई करते, इसको छोड़ दो, इसके सिंपल अपना जो है पहले वही मेथड सॉल्व करो, वी हैव x is equal to e raised to sin kt, ऐसा है, तो parameter t और इवेल से इसको मैं differentiate करूंगा with respect to t, differentiate with respect to t करने से ये हो गया dx by dt, exponential function as it is, base का log मतलब log e और power का derivative d by dt of sin kt का derivative, तो ये तुमको मिला e raised to sin kt log e 1 sin kt का derivative
cos pt और angle pt तो कितना हो गया एकदम सिंपल dx by dt हो गया. अब निकालेंगे अपन dy by dt. now y is equal to what? तो ऐसा से करेंगे तो मिलेगा e रेस टू cos 3t. डेरिवेटिव ऑफ cos 3t का नथिंग बट cos 3t क्या होता है माइनस साइन, तो ये माइनस बाय sin 3t और फिर से 3t का डेरिवेटिव कितना आ गया c. तो फाइनली वी गॉट द कंडीशन माइनस 3 e रेस टू cos 3t एंड देन sin 3t ये तुम्हारा आ गया dy / dt. नाउ वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट dy by dx. So what is the value of f for dy by dx can be written as dy by dx can be written as dy by dt divided by dx by dt. बस फिर खत्म करो. तो dy by dt कितना है तुम्हारा? देखो यहाँ पे this one 3 e raised to sin 3t into cos 3t. ये तुम्हारा dy by dt है. dx by dt dy by dt इतने फर्क यहाँ पे cos 3t upon ये हो गया sin 3t. पहले dy by dt मतलब ये आना चाहिए, कोई बात नहीं, ये माइनस का और ये कितना है तुम्हारे पास 3 टाइम्स e raised to sin 3t. अच्छे से लिखेंगे इसको अपन 3 into e raised to sin 3t और फिर cos 3t as it is. ऐसा करने से ये तीन से तीन कैंसिल हो गए, राइट है. अब इसके तुम वैल्यू निकाल सकते, देखो इसके वैल्यू तुम कैसे निकाल सकते बाय यूजिंग द फंक्शन, है ना. देखो यहाँ पे जैसे यहाँ पे तुमको मालूम है e रेस टू साइन थ्री टी की वैल्यू कितनी है x, ठीक है. और इसकी वैल्यू कितनी है तुम्हारी इक्वेशन 1 और 2 से, इसकी वैल्यू तुम्हें साइन थ्री टी की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास e raised to sin 3t की वैल्यू x, ये आ गया. और e raised to cos 3t की वैल्यू कितनी है y, मतलब ये आ गया माइनस y by x आ गया, माइनस आ गया ये y by x हो गया. अब e raised to cos 3t और e raised to sin 3t की वैल्यू निकालेंगे अपन, तो अपन क्या करेंगे फ्रॉम 1 के हिसाब से तुम यहाँ निकाल सकते इसकी वैल्यू. वही जैसे मैंने तुमको बताया था कि इसकी वैल्यू निकालने का है तो log अगर से लेंगे तो और भी सिंपल जाएगा. देखो वैसे कोई बात नहीं, इसको तुम डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हो फ्रॉम 1. अगर से इसको दोनों साइड से अगर से अपने लॉग ही लें तो ये क्या मिलता है, देखो ये मिलेगा लॉग x इज इक्वल टू लॉग ऑफ e रेस टू साइन 3t. तो ये नीचे आएगा तो क्या मिलेगा साइन 3t लॉग e, लॉग e की वैल्यू कितना 1, तो साइन 3t की वैल्यू कितनी मिली तुमको लॉग x फ्रॉम 1. तो डायरेक्ट क्या अपन ये माइनस साइन 3t की वैल्यू कितनी होगी, साइन 3t की वैल्यू या फिर तुम इधर से भी निकाल सकते हैं, नहीं चलो ये रख लिए ठीक है. तो ये तुम्हारा e raise to cos 3t मतलब ये तुम्हारा y हो गया, e raise to sin 3t मतलब तुम्हारा क्या हो गया x. अब जिसको समझ भी नहीं आया sin 3t की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाला, देखो जिसको समझ भी नहीं आया उसको यहाँ ऊपर बता दो, देखो यहाँ पे जिसके नहीं समझ में आया ये ऐसा है तो इक्वेशन नंबर 1 में x की वैल्यू है e raise to sin 3t, ठीक है. तो इसको हम क्या करेंगे दोनों साइड से लॉग लगाएंगे, दोनों साइड से लॉग लगाएंगे तो ये हो गया log x इज इक्वल टू log ऑफ e raised to sin 3t, ऐसा आ गया, राइट है log लगाने से. अब log अगर से है तो उसको implies, अब देखो तो ये होगा तुम्हारा log x, log लगाने से ये sin 3t नीचे आ गया, sin 3t नीचे आ गया तो यहाँ कितना बचा log e, ना sin log वाली वजह से sin 3t नीचे आ गया, ये होगा log e, log e की वैल्यू कितनी 1, तो direct sin 3t की वैल्यू कितनी मिली log x. इक्वेशन नंबर 1 के हिसाब से sin 3t की वैल्यू कितनी मिली log x. सिमिलरली तुम यहाँ से cos 3t की वैल्यू निकाल सकते हो, सिर्फ फर्क क्या रहेगा e raise to क्या है यहाँ पे cos 3t, राइट है. ये तुम्हारे पास कितना है e raise to cos 3t, तो it is equal to log x is equal to log of e raise to cos 3t, ठीक है. cos 3t मतलब log, ये x है तुम्हारा y है, ये y, ठीक है. तो ये होगा log y
ये तुमको क्या मिला, log y इज इक्वल टू अगेन cos 3t into log e is there, log e की वैल्यू 1, अगेन cos 3t की वैल्यू कितनी मिली तुमको, ये नथिंग बट log कराना क्या सर टेन मिलो समझना का पड़ेगा बोला एकदम सिंपल है ठीक है, तो उसको अपन कैरमेटिक के साथ रखेंगे, ये तीन तीन कैंसिल होगा, ये माइनस एंटिटीज, इसकी वैल्यू तुमको मालूम है, ये वैल्यू दी वाली है वाई और ये वैल्यू तुमको दी वाली एक्स, खाली प्रॉब्लम इसका था, तो साइन थ्री टी और कॉस थ्री टी की वैल्यू कैसे निकाले वो मैंने तुमको भी बताया, जैसे कि वाई का अगर चलिए वाई इक्वल टू ए इसको कॉस थ्री टी, अभी कॉस थ्री टी की वैल्यू निकालेगा तो कॉस थ्री टी ऊपर जाके बैठा, कोई भी फंक्शन अगर ऊपर है उसको नीचे लाने का एक ही मार गया अपने पास टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग लेंगे तो सीधा ये फंक्शन क्या आएगा नीचे आएगा, क्योंकि आपको इसकी वैल्यू मालूम होना और ये कहाँ जाके बैठा ऊपर जाके बैठा, उसको नीचे से लेके आना है, तो क्या करेंगे दोनों साइड से लॉग लेंगे, इसका भी लॉग और इसका भी लॉग, ऐसा करने से ये cos 3t नीचे आ गया और लॉग की वैल्यू कितनी होगी 1, तो इसका मतलब cos 3t के प्लेस पे हम क्या कर सकते हैं, इन प्लेस ऑफ cos 3t यू कैन पुट हियर log y इज देयर, और इन प्लेस ऑफ sin 3t यू कैन पुट हियर log x इज देयर, आई होप यू गॉट दैट, यस ओके इज देयर एनी प्रॉब्लम, चलो अगले क्वेश्चन तरफ जाएंगे, अगला क्वेश्चन ये तुम सॉल्व कर सकते हो इजीली, ऐसा यहाँ पे लग रहा है कि तो ज्यादा कोई खास बात नहीं है, इसको डायरेक्ट उसका डिफरेंशिएशन है, उसको तुमको सॉल्व करने का है, एक 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 भी वाला है और वाई जल थोड़ा क्वेश्चन में थोड़ा बहुत कुछ तो प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने के बाद थोड़ा आंसर नहीं आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में, उसको देखेंगे अपन क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा, है ना, जैसा क्वेश्चन है उसके हिसाब से आंसर नहीं आ रहा, ठीक है देखेंगे उसको अपन बाद में, क्वेश्चन नंबर 3 को राउंड करो, थोड़ा क्वेश्चन मॉडिफाइड करके करना पड़ेगा, थोड़ा प्रॉब्लम है क्वेश्चन में दोस्तों भी, नेक्स्ट क्वेश्चन चलो क्वेश्चन नंबर 3 ला राउंड करा, चला बघतो मी पहिले, त्याला म्हणजे मॉडिफाइड करून तुम्हाला सांगा मागे की क्वेश्चन असा असायला पाहिजे म्हणून त्याचा शोध आहे असेल, है ना, त्यामुळे त्याला राउंड करा, सो नाउ वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x इज इक्वल टू a cos क्यूब टी, a cos cube y is equal to a sin cube yourself. Yes, a sin cube. So you want to show that dy by dx is equal to, we want to show that here dy by dx is equal to minus of y by x to power 1 by 3 step. आइडेंटिटी का यूज करके सॉल्व करेंगे तो सिंपल जाएगा, तो इसके अंदर तुमको मालूम है cos का थीटा थीटा प्लस sin का थीटा इज इक्वल टू 1, वो फॉर्मूला लेके आएंगे अपन, वो अगर से सॉल्व हो गया अपना तो बहुत सिंपल काम हो जाएगा, देखो अभी कैसा आइडेंटिटी कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको अपन, कि x इज इक्वल टू की cos क्यूब की, तो मेरे को बोलो ये तुम इसको से cos क्यूब की वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना, cos क्यूब की इज इक्वल टू x स्क्वायर, बट वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट ओनली cos t इज देयर, राइट, तो यहाँ पे cos t कितना मिलेगा, तो रिजल्ट क्या है तुमको cos square t plus sin square t is equal to 1, यहाँ पे cos cube आ रहा, सबको अपन तो सिंगल करेंगे, तो t cube on both side में ये क्या होगा x का a का power कितना आ गया 1 by 3, दोनों साइड का पहले 1 by 3 1 by 3 3 3 कैंसिल हो गया cos t मिला और x का a का power 1 by 3 चल गया, अब उसके बाद में इसके लिए भी काम y equal to a sin cube t, है ना, तो तुमको इससे sin cube की वैल्यू मिलेगी, sin cube की इज इक्वल टू y by a इज देयर, सो सिंपली वी कैन से दैट हियर sin t इज इक्वल टू
y का a का पावर 1/3 से। यहाँ पे तुमको cos t मिल गया और यहाँ पे तुमको sin t मिल गया। So what is the relation? Yes, relation is something like to be. Relation के आगे क्या है? Cos square theta plus sin square theta is equal to 1। इसका मतलब दोनों का square करेंगे तो because therefore cos square t plus sin square t is equal to, दोनों का स्क्वायर करेंगे से करेंगे तो इसका क्या मिलेगा? x by a का पावर 1/3 और उसका स्क्वायर मतलब कितना मिला? 2/3 प्लस y by a का पावर 1/3 और उसका स्क्वायर मतलब कितना मिलेगा? y by a का पावर 2/3। तो सिंपली वी गॉट हियर इसकी वैल्यू तो कितनी होगी? 1। ये अपने को मिला x by a का पावर 2/3 और ये अपने को मिला y के का पावर 2/3। समझी? इस पे देखो, मैंने इससे पहले बताया था कि जब भी ऐसे है तो रिजल्ट जनरली cos sin में आया तो तुमको आइडेंटिटी का यूज करके सॉल्व करना पड़ेगा, सिंपल जाएगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे cos क्यूब की वैल्यू निकाले, मगर रिजल्ट cos स्क्वायर t में सबसे पहले अपन cos t करें, इसको cos t की वैल्यू x by का पावर 1/3, sin t की वैल्यू y by का पावर 1/3, दोनों का स्क्वायरिंग है, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। स्क्वायरिंग एडिंग करें तो पहले लिख इसका एडिशन, cos स्क्वायर t plus sin स्क्वायर t दोनों की लिख इसका एडिशन, इसकी x by का पावर 1/3 मतलब x by का पावर 2/3 और इस y by का पावर 2/3, हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो बोलो चलिए तो क्या होगा, 1 का डेरिवेटिव कितना होगा? 0। ओके छोड़ दो, इधर से करेंगे इसकी डिफरेंशिएशन, 2/3 पावर के नीचे पावर में से एक कम और x बाय a का डेरिवेटिव कितना रहेगा वही चलेगा क्योंकि 1 बाय कांस्टेंट है, दिस वन द डेरिवेटिव ऑफ दिस वन प्लस यू कैन ऑल सिंपलीफाई कर सकते हो इसको अपन देखो और तुम इसे और भी सिंपलीफाई बताओ मैं डिफरेंशिएशन और भी करने के लिए देखो क्या करो एकदम सिंपल करो x बाय का पावर 2/3 तो क्या करो x रेस टू 2/3 अपॉन a रेस टू 2/3 ओके ये तुम्हारा कितना है y रेस टू 2/3 डिवाइड बाय a रेस टू 2/3 इज इक्वल टू यहां पे कितना आ गया 1 ये दोनों का बेस सेम और का एडिशन मतलब दोनों का बेस सेम मतलब न्यूमरेटर का एडिशन ये न्यूमरेटर का एडिशन डिवाइड बाय a का पावर 2/3 इज इक्वल टू कितना 1 तो a रेस टू 2/3 इधर चल जाएगा तो फाइनल तुमको क्या मिलेगा x रेस टू 2/3 x से 2/3 का डेरिवेटिव पावर को नीचे पावर में से एक कम 2/3 में से एक कम प्लस पावर को नीचे पावर में से एक कम 2/3 माइनस 1 इज इक्वल टू ये पूरा प्योरली कांस्टेंट डेरिवेटिव कितना मिला 0 तो फाइनल वी गॉट द आंसर 2/3 x से 2 माइनस 3 मतलब माइनस 1/3 प्लस 2/3 माइनस 1/3 एक गलती होगी यहाँ पे पावर को नीचे पावर में से कम बेस का रेट 1 पावर को नीचे पावर में से कम बेस का रेट रहेगा देखो y का रेट कितना dy / dx = 0 तो ये dy / dx = 0 तो क्या आएगा अपने पास देखो 2/3 y का पावर -1/3 dy / dx = ये प्लस का है इधर जाने से माइनस का ठीक है तो ये 2/3 ये 2/3 कैंसिल तो आंसर तुम्हारा आया dy / dx = -x का पावर -1/3 / y का पावर -1/3 है ना सो दैट क्या है तुम्हारे पास आ गया आंसर है ना तो ये dy / dx = x / y आया ना तो अपने को उल्टा करना पड़ेगा उल्टा मतलब कैसा y ऊपर होना x नीचे होना तो y का पावर -1/3 ऊपर गया तो प्लस का 1/3 और x का पावर -1/3 नीचे आया तो x का पावर प्लस का 1/3 दोनों में माइनस कॉमन y बाय x दोनों का कॉमन और दोनों के पावर में कितना है दैट्स आंसर वी वांट टू शो दैट अलग अलग शायद एकदम सिंपल है इतना बगा
आइडेंटिटी से यूज किया, इसकी आइडेंटिटी वन होगी। तो अपन इसका पहले पावर बांट की थी, फोटोन का पावर, दोनों का डिनोमिनेटर सेम एक ही बार लिखे, इसको इधर लेके चले गए मल्टीप्लिकेशन में। आप इसको डिफ क्यों सेट करें, ये प्योरली कॉन्स्टेंट है, प्योरली कॉन्स्टेंट मतलब इसका कितना आ गया जीरो। इसको सॉल्व करें, पावर को नीचे पावर में से कम बेस का वैल्यू कितना वन, पावर को नीचे पावर में से कम बेस का वाई का वैल्यू कितना डी बाई डी एक्स इक्वल कितना जीरो। सेम माइनस वन बाई थ्री टू बाई थ्री वाई माइनस वन डी बाई डी इक्वल जीरो। तो ये प्लस का टर्म होगा जाने से माइनस का, टू बाई थ्री कैंसिल, डी वाई डी इक्वल माइनस एज इट इज इसके डिवीजन में आ गया। अब ये अपना एक्चुअल आंसर y बाय x के फॉर्म में है तो ये उल्टा हो रहा। तो सबसे पहले y का पावर माइनस वन बाई थ्री को ऊपर लेके चले गए तो प्लस का y बाय माइनस वन बाई थ्री, और इसको नीचे ले आए तो प्लस का वन बाई थ्री। दोनों में पावर वन बाई थ्री कॉमन है, एक ही ब्रैकेट करके इनका पावर कितना वन बाई थ्री। सो आई होप यू गॉट दैट, वेरी सिंपल क्वेश्चन इज आस्किंग। ओके समझ लगा फिर ना सागर, यस टेल मी नाउ। हो सर, अरे सर पूछ सकते हो ना, हां जैसे का हो सर, हो वो नहीं कहते सागर लोग लोगों को सर क्वेश्चन डिस्कशन ना हो सर। ऐसा क्वेश्चन क्या करते हैं सिलेक्शन पे, एकदम सिंपल वे से बता रहा हूं तुम्हारे को। कि मैंने तुमको क्वेश्चन दे दिया, ये क्वेश्चन तुम करके बता सकते हो। इफ एक्स इज इक्वल टू टू कॉस रेस टू फोर ऑफ टी प्लस थ्री, वाई इज इक्वल टू टू थ्री साइन रेस टू फोर ऑफ टी प्लस थ्री। क्वेश्चन इज आस्क हियर शो दैट dy by dx इज इक्वल टू, शो दैट सर झालाय ते क्वेश्चन इक्वल टू रूट मध्ये 3y डिवाइड बाय 2x इज दैट अंडर रूट मध्ये 3y डिवाइड बाय 2x इज सर। क्वेश्चन झालाय ते काय म्हणले, क्वेश्चन झालाय आवाज नाही येत रे तुमची, क्वेश्चन काय झालंय म्हणलं ते क्वेश्चन अजून मी लिहिलं आहे कम्प्लीट लिहितो। क्वेश्चन असा आहे, एफ एक्स इज इक्वल टू टू रेस टू कॉस ऑफ फोर टी प्लस थ्री, वाय इज इक्वल टू थ्री साइन रेस टू फोर टी प्लस थ्री, शो दॅट डी वाय बाय एक्स इज इक्वल टू मायनस मध्ये आहे का सर मायनस ऑफ अंडर रूट ऑफ थ्री वाय बाय टू एक्स इज राईट आहे, आता बरोबर क्वेश्चन सर पाचवा सहावा शिकवायचा x equal to sin inverse of e raised to t, y is equal to under root of 1 minus e raised to 2x is there, then show that you want to show that here, show that dy by dx sin x plus dy by dx is equal to 0, then show that sin x plus dy by dx equal to 0 is there. काय असतं नेट त्याला डायरेक्ट आपल्याला डिफरेंशिएट करावं विथ रिस्पेक्ट dx by dt काढा, त्यानंतर dy by dt काढा, ते काढल्यानंतर त्याच्यात ठेवून द्या, डायरेक्ट तुम्हाला आन्सर येऊन जातो, काहीच अडचण नाही तुमची, एकदम सिम्पल क्वेश्चन इज देयर है ना। करायचं का कमी करून तुम्ही करता का करून घेऊ बघा, सिम्पल पहिल्यांदा मी याचं डिफरेंशिएशन घेतलं, दोन्ही क्वेश्चन सोपे आहे, सातवा नंबर आणि आठवा नंबर दोन्ही सिम्पल आहे, सातवा नंबर से निकलूंगे तो आठवा भी निकलूंगा। x इज इक्वल टू सेम मेथड जैसा अपन हमेशा डिफरेंशिएट करते हैं, बोलो इसका डिफरेंशिएट पैरामीटर t है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t अगर से करेंगे तो ये अपने को देगा dx / dt sin inverse of e raised to t का डेरिवेटिव। सबसे पहले बोलो sin inverse of x का डेरिवेटिव कितना रहता,
साइन वर्स ऑफ एक्स वन अपॉन अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर साइन वर्स ऑफ ए रेस टू बी का इंटू करेंगे वन अपॉन अंडर रूट में वन माइनस एक्स के जगह पे ए रेस टू टी का स्क्वायर और फिर डी बाई डी टी ऑफ ई रेस टू टी का डेरिवेटिव वन अपॉन अंडर रूट में वन माइनस क्या बात पैरामीटर वही बोला क्वेश्चन बराबर है क्योंकि यहाँ पैरामीटर टी है यहाँ पे एक्स हो रहा नाउ डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टी इसका ही डिफरेंशिएशन करने सबको रूट फंक्शन डेरिवेटिव क्या वन अपॉन टू अंडर रूट में एक्स और जो भी रूट पे फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ये पूरा रूट में है तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा देखो ऐसे लिखेंगे अपन इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी अगर सीखेंगे अपन तो ये आगे डी वाई बाई डी टी रूट फंक्शन डेरिवेटिव वन अपॉन टू अंडर रूट में वन माइनस ई रेस टू टू टी एंड देन डेरिवेटिव ऑफ वन माइनस ई रेस टू टू टी का डेरिवेटिव रूट फंक्शन डेरिवेटिव वन अपॉन टू रूट आइडेंटिटी का जो भी रूट में फंक्शन है फिर उसका डेरिवेटिव देखो तो क्या देगा वन अपॉन टू अंडर रूट में वन माइनस ई रेस टू टू टी टी बाय डी टी ऑफ वन वन का डेरिवेटिव जीरो माइनस ई रेस टू टू टी का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज बेस का लॉग लॉग ई वन टू के डेरिवेटिव कितना आ गया टू इज ठीक है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो आंसर में भी ये माइनस टू ई रेस टू टू टी डिवाइड बाय टू इंटू अंडर रूट में वन माइनस ई रेस टू टू टी तो ये टू से टू क्या हो गया छह आंसर तो तुम्हारा आंसर कितना आ गया अरे देखो इसको तुम और सॉल्व कर सकते हो ई रेस टू टी टी का स्क्वायर मतलब देखो तुमको और आगे यू में से बता रहा ई रेस टू टी अपॉन अंडर रूट में ये dy by dt divided by dx by dt dy by dt कितना है इतना है मतलब कितना minus e raised to 2t divided by under root में 1 minus e raised to 2t whole divided by division में ये e raised to t divided by under root of 1 minus e raised to 2t तो क्या होगा ये कैंसिल होगा पूरा ब्रैकेट से तो क्या होता देखो इसको पूरा मिटा देंगे तो क्या होता देखो खाली माइनस का ई रेस टू टू टी अपॉन ई रेस टू टी बस इसको ऊपर लेके जाए तो इतना बस रहे ये माइनस एज इट इज ई का पावर टू टी इसको ऊपर ले जाए तो ई का पावर माइनस टी तो ये तुम्हारा कितना मिला माइनस दोनों का बेस सेम टू टी में से एक टी गया तो ई का पावर कितना माइनस टी और तुम यहाँ से देखेंगे तो ई का पावर माइनस टी की वैल्यू अपन डी वाले पोर्शन में से निकाल सकते हैं है ना ई रेस टू टी की वैल्यू तुम कैसे निकाल सकते हैं देखो ये होगा माइनस ई रेस टू टी और ई क्या है तुम्हारा डी वाई डी तो देखो यहाँ पर बता रहा हूँ तुम ये वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं कहाँ से चलो काम हो गया ना ये वैल्यू यहाँ से निकाल सकते तुमको डी वाले पोर्शन में x इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ e रेस टू t तो इसको से तुम e रेस टू t जो निकाल सकते e रेस टू t इज इक्वल टू साइन इनवर्स उधर चले गया तो क्या मिला तुमको साइन x इसके ये वाले क्वेश्चन के ज्यादा कहीं नहीं जाने का यहाँ तक आंसर अब तक शो दैट नहीं आ रहा होगा ना तो शो दैट नहीं आएगा तो डायरेक्ट अपन क्वेश्चन की तरफ जाएंगे कि अपन e रेस टू t की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं e रेस टू t की वैल्यू तुम x से निकाल सकते हैं x इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ e रेस टू t है इसका मतलब e रेस टू t इज इक्वल टू साइन x उधर चले गया तो इसका मतलब तुम ये ए रेस टू टी के ऊपर भी क्या रखेंगे ये तुम्हारा आ गया माइनस का साइन राइट और यहाँ पे क्या है तुम्हारा ए इक्वल टू क्या है डी वाई बाई डी एक्स ये तो इसका मतलब लास्ट आंसर कितना आ गया फिर डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू कितना आ गया जीरो जो भी शो दैट है तुम्हारा यस है ना
डी वाई बाई डी एक्स माइनस का साइन एक्स उधर आया तो कितना मिलेगा प्लस का साइन एक्स, तो लास्ट आंसर देखो तो, साइन एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो। कुछ भी तो नहीं सेम, पहले डी एक्स बाई डी टी निकाले फिर डी वाई बाई डी टी निकाले, डी वाई बाई डी एक्स में रख दिए दोनों की वैल्यू, ये रूट वाला कैंसल, कितना बच गया इसको ऊपर लेके चले गए तो माइनस थ्री, दोनों का बेस सात था, कूटी में से एक टी गया तो प्लस का टी, अब ये छुट्टी की वाली बात निकाले अपन ने ये इक्वल, अगर सेक्टर को साइन होता पी रेस्यू टी है तो साइन एक्स इक्वल टू कितना मिलेगा ई रेस्यू टी, तो ये ई रेस्यू टी की वैल्यू कितनी मिली साइन एक्स, तो माइनस का साइन एक्स को जाने से क्या मिलेगा प्लस का साइन एक्स से, एंड दैट्स द आंसर। ओके चलो सबसे लास्ट क्वेश्चन ये एक्सरसाइज का और ये चैप्टर का वेरी लास्ट क्वेश्चन, सो मैम यस इज देयर एनी डिफिकल्टी, यस टेल मी नाउ कोई प्रॉब्लम इन नो सर, चलो फिर आगे माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन ए स्क्वायर एक्स कर सकते हो एकदम सिंपल, तो क्या करो सकते हो टी इज इक्वल टू कर दे टू बी डी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, तो मतलब टू टी बी तो कॉन्स्टेंट है पैरामीटर टी ना, तो टी इज इक्वल टू क्या करो टेन थीटा, तो तुमको क्या मिलेगा टू टेन थीटा अपॉन